यहाँ तो लाखों करोड़ रुपए के 2000 के नोट बंद कर दिए महाराज, मारोगे क्या? गरीब आदमी के घर पे किसी के 50,000 किसी के लाख रुपए पड़े हैं। तो काला धन की बात तो बीजेपी वालों ने कही थी, 50 दिन का समय मांगा था 2016 में। भाइयों बहनों, नोटबंदी के बाद देश नहीं बदला तो मान लीजिए मैं जाऊँगा। ये बीजेपी वाले इतने नाटकबाज है, सिलेंडर पर 50 पैसे बढ़ा दिए थे, डांस कर रहे थे लोकसभा के बाहर खड़े हुए, पेट्रोल पे 50 पैसे डांस कर रहे थे। हमारे टाइम पे 2 रुपए 2.5 रुपए पेट्रोल डीजल पर टैक्स, आज 50 रुपए टैक्स। अरे इतनी चमचागिरी करोगी बीजेपी की तो देश कैसे चलेगा भाई साहब? गलत तो गलत है, मार्कंज का 2000 का नोट है, थे ले जाओ था बदलवा लीजिए, मैं मायने देख ले। 2000 का नोट जिसका सरकार जिसने छापे है ना केंद्र सरकार ने, उसी के पास ज्यादा है। और मेरे पास यदि कोई होगा तो वो तो, मैं तो विधानसभा में मेरी बैंक है और यहाँ पे बैंक है, वो तो जो होगा वो तो चला जाएगा। वो जो आप मेरी बात सुनिए, 500 का 1000 का नोट जिस दिन बंद हुआ, एक भी आदमी पैसे वाला नेता बड़ा अधिकारी उसका खराब हुआ क्या किसी का? यार फालतू की बात कर रहे हो यार, क्या रिजल्ट आया? प्रैक्टिकल बात हम नहीं कर रहे हैं। 2000 का नोट बंद करना देश के साथ जनता के साथ धोखा है, नाटक है, मुद्दों से ध्यान हटाने का प्रयास है, महंगाई गरीबी बेरोजगारी से ध्यान हटाने की कोशिश है, देश को बदनाम करने की साजिश है, देश की करेंसी बदनाम हो रही है। देश की करेंसी आप लेकर आए 2000 का नोट सिर्फ 7 साल 6.5 साल पहले, अब आप बंद कर रहे हो, ये गलत है। जवाब देना चाहिए सरकार को, आप हमें फांसी पर चढ़ा सकते हो लेकिन सच बोलने से कांग्रेस चुप नहीं रहेगी, पूरी कांग्रेस बोलेगी। लेकिन 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 ये जाने से पैसा निकला बड़े पैमाने पर, उसमें भी 2000 के नोट भी थे, 2 करोड़ 31 लाख, और वो सोना, वो किसका सोना है? और सरकार के विभाग के अंदर से बेसमेंट से मिलना अपने आप में बड़ी बात है। तो फिर ये तो साबित कर रहा है कि जो काले धन के लिए नोट की गई नोटबंदी सही है। आप कैसी बात कर रहे हैं, 2 करोड़ 31 लाख रुपए और ये ऑफिस में कहीं नीचे मिले, बड़ी राशि है। पुलिस ने जब्त किए हैं, राजस्थान की पुलिस ने जाकर पुरानी अलमारियां खोल रहे थे, चेक कर रहे थे, कर्मचारियों ने बुलाया तो पता चल जाएगा किसने रखे कहां से आए। तो काला धन की बात तो बीजेपी वालों ने कही थी, 50 दिन का समय मांगा था 2016 में। भाइयों बहनों, नोटबंदी के बाद देश नहीं बदला तो फांसी पे चढ़ जाऊंगा। तो इसमें कांग्रेस कहां से आगे, यदि पकड़े गए आप 2 करोड़ देख रहे हो, यहाँ तो लाखों करोड़ रुपए के 2000 के नोट बंद कर दिए महाराज, मारोगे क्या? गरीब आदमी के घर पे किसी के 50,000 किसी के लाख रुपए पड़े हैं, उनको कह रहे हैं लाइन में आ जाओ बदल तो लेंगे, लेकिन फालतू लाइन में खड़ा कर दिया, चलने दो ना मार्केट में। मेरी बात सुनिए, ये फालतू की बात है, ज्यादा चमचागिरी आप भी मत किया करो यार, कभी सचारे मारी बात सुनो, लाल सिंह जी मेरी बात सुनो, ज्यादा डर डर के चमचागिरी कर करके इस केंद्र की बीजेपी की सरकार को बिगाड़ दिया लोगों ने। अरे भाई, कांग्रेस गलती करे तो कांग्रेस का विरोध करो, बीजेपी गलती करे तो बीजेपी का विरोध करो। ये बीजेपी वाले इतने नाटकबाज है, सिलेंडर पर 50 पैसे बढ़ा दिए थे, डांस कर रहे थे लोकसभा के बाहर खड़े होके, पेट्रोल पे 50 पैसे डांस कर रहे थे। हमारे टाइम पे 2 रुपए 2.5 रुपए पेट्रोल डीजल पर टैक्स, आज 50 रुपए टैक्स है, सिलेंडर 1100 रुपए पार कर गया। अरे इतनी चमचागिरी करोगे बीजेपी की तो देश कैसे चलेगा भाई साहब? गलत तो गलत है, संविधान विशेषज्ञों से हाथ जोड़ के विनती है देश के एडवोकेट से, संविधान पढ़ो देखो, मैं भी देखूंगा, मैंने भी लो की है, जितनी मेरी औकात है उतना मैं कोई प्रैक्टिस नहीं करता, तो आप मैं देखें कि क्या 7 साल में करेंसी वापस बंद कर सकते हो क्या 6.5 साल में? ये नाटक है क्या? कंट्री है दुनिया का फर्स्ट या सेकेंड कंट्री में हम है, हमारी इज्जत है? नोट बंद करने से रोटी मिल जाएगी, रोजगार मिल जाएगा, महंगाई खत्म हो जाएगी? ये फालतू की बातें हैं यार, ये नाटकबाजी नहीं है, गलत बात है। उसका बात नहीं कर रहे, उसके आपने पूरा लंबा चौड़ा दे दिया ना, गलत हुआ है, लेकिन क्या ये सही हुआ जो नोट मिले? तो भाई नोट मिले तो आपने तोड़ना पकड़े हैं, प्रेस वालों ने पकड़े हैं क्या? वो तो राजस्थान की पुलिस ने पकड़े हैं, तो राजस्थान की कर्मचारी से गलती से मिल गई तिजोरी खोली, इसलिए गलत बात है। पुलिस तो बाद में आई है। आप मेरी बात, कर्मचारी को मिल गए मान लिया, आपकी मान लेते हैं, कर्मचारी फाइलें चेक कर रहे थे, आप ये कहना चाहते हो उनको मिला तो उन्होंने पुलिस को सूचना दी और आके पकड़ में आ गए, आप चिंता क्यों कर रहे हो? यदि किसी अफसर ने रखे हैं और कोई चोर अफसर है तो पकड़ में आ जाएगा, छोड़ देंगे क्या? हम जानते हैं
कोई अफसर यदि चोरी कर रहा है, वो चाहे राजस्थान की सरकार में हो चाहे केंद्र की सरकार में हो, यदि गड़बड़ कर रहा है तो पकड़ लेंगे, छोड़ेगी क्या पुलिस।